उत्तर प्रदेश की मैनपुरी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस ने अवैध चल रही शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने शस्त्र फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मैनपुरी SP कमलेश दीक्षित ने पुलिस लाइन परिसर में प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया है। जनपद में हो रही घटनाओं को लेकर मैनपुरी पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अपराधियों की धरपकड़ करना शुरू कर दिया है। मैनपुरी कोतवाली पुलिस ने अवैध चल रही शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। मैनपुरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ईंट भट्टे पर चल रहे शस्त्र बनाने की फैक्ट्री को मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध तमंचा कारतूस सहित असलाहा बनाने के उपकरण भी भारी मात्रा में बरामद किए हैं। मैनपुरी SP कमलेश दीक्षित ने पुलिस लाइन परिसर में प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेजने का काम किया है। नीचे अवैध शस्त्र बनाने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आज कोतवाली थाना अंतर्गत दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए। दोनों अलग अलग जगहों से इनके द्वारा अवैध रूप से शस्त्र बनाए जा रहे थे। इनके कब्जे से लगभग 10 बने हुए और कुछ अधबने तथा शस्त्र बनाने के भारी संख्या में उपकरण बरामद हुए हैं। पूर्व में भी ये जेल जा चुके हैं और पुनः इनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा था और ये गुडवर्क जो कोतवाली द्वारा किया गया है, इसके लिए इनको 10,000 रुपये का भी पुरस्कार दिया गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।